आज आपको दिखाने वाला हूँ कि मेरा एक विंडो है जो बहुत काफ़ी बड़ा है, गेस्ट रूम में है एंड ये ओपनेबल है। मैं आपको दिखा देता हूँ, जैसे कि अगर हम इसे ओपन भी कर सकते हैं एंड लॉक भी कर सकते हैं। तो ये हम लोग को इसको लगाना है ग्रीन लाइट, तो चलिए लगाएंगे। तो आपको स्टेप बाई स्टेप बताएंगे कैसे करना है। तो सबसे पहले हम इसका लंबाई और चौड़ाई देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम इसे माप लेते हैं कि ये कितना है। नापने पे ये थोड़ा गोल आकार का है, ठीक है। ये थोड़ा मुड़ा हुआ है तो इसलिए हमें थोड़ा परेशानी होगी, लेकिन कोई बात नहीं। ये जब मैंने देखा है तो ये 4 फीट का है, तो हमें इसे थोड़ा और भी ज़्यादा लगाना पड़ेगा, 4 फीट से 2-3 इंच ज़्यादा। और अगर बगल के साइड से देखते हैं तो ये भी हमारा 4 फीट ही है। तो चलिए, सक्सेसफुली हमारा ये दोनों 4 फीट का हो गया। एंड ये जो हमारा एक जो ओपनेबल है उसे हम देखते हैं। तो ये देख सकते हैं कितना भाई है इसका नाप। ओके, 3 फीट। तो ये देख सकते हैं 3 फीट, 4 फीट एंड 4 फीट। तो अब हम इसकी चौड़ाई नाप लेते हैं। तो जैसे हमने नाप लिया है तो अब हम इसे काटेंगे। तो यहाँ पर हमने डबल फोल्ड किया हुआ है एंड ये 10 × 32 फीट का था। एंड अब हम इसे नाप लेते हैं ये कितना है। ये 5 फीट है, ठीक है। तो जैसे कि हमें 4.5 फीट था, यहाँ पे 5 फीट हो गया, तो ठीक है। अब हम इसे कट करेंगे। देख सकते हैं कुछ इस तरह से हमें कट कर लेना है। एंड ये देख सकते हैं यहाँ पे हमने पूरे पूरी तरह से लगा दिया है। ये ग्रीन लाइट आ रहा है इधर से एंड हमने इसे तारों की मदद से इसे यहाँ पे जोड़ दिया है कि ये नहीं निकले। एंड यहाँ पे कुछ फट गया था तो हमने उसे भी सिल लिया है। नहीं दिखता, हम इसे ओपन कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं, ठीक है। मतलब यहाँ पे ओपन हो सकता है ये और कोई दिक्कत नहीं है। एंड फिर इसे शट डाउन कर सकते हैं लोग। और देख सकते हैं ये 50% हवा, पानी और सूरज की रोशनी को रोकता है, 50% आने देता है। एंड इसका अनबॉक्सिंग मैंने किया था तो उसका वीडियो भी आप इस वीडियो के लिंक में दे दूंगा, आप उसे भी जाके देख लीजिए। और दोस्तों, जब हमने पिनअप किया है तो उसे भी आपको दिखा देता हूँ कि हमको कैसे इसे पिनअप करना है। तो पिनअप करने के लिए अभी तो देख सकते हैं यहाँ कितना सुंदर ब्यूटीफुल व्यू आ रहा है और ये एकदम ग्रीन ग्रीन लग रहा है। एंड चलिए, अब देखते हैं कि कैसे पिनअप करना है। तो ये देखिए, हमने एक तार लिया है जो यूज़ होता है घर में काम चलता है, तो वहाँ पे आपके पास बहुत ज़्यादा रहता है एंड आप यहाँ बाज़ार से ही मंगा सकते हैं, तो आपको इसमें फंसा देना होता है। तो यहाँ पे आपको इस तरह से कुछ कर लेना है। तो उम्मीद करता हूँ कि